फायदा। मैं यहाँ पर एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कई टकरा अध्यक्ष अचलपुर नगर पालिका में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को हर प्रभाग में हर वार्ड में यथा योग्य अच्छे से अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे कि जो चुन के आए, जो ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के आए और ज्यादा से ज्यादा उनको वोट प्राप्त हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर से प्रचंड नगराध्यक्ष अपन यहाँ पे बैठाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को मैं आश्वासन देता हूँ। इसके उपरांत इस अभी महाराज भी आंखों के ऑपरेशन का शिविर ले रहे हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू रहती। सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि हमारे पास वोटर है, लेकिन वोटर के जहाँ वोटर है वहाँ पे हमारे पास में अच्छा ताकतवर उम्मीदवार नहीं है। हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी कम भी नहीं तो भी 500 से शुरुआत है, लेकिन हमारे को 500-700 वोट लेने वाला अच्छा उम्मीदवार मिलना बहुत आवश्यक है। ऐसे अचलपुर में और परतवाड़े में ऐसे कई वार्ड है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही मतदार है, लेकिन वहाँ अपने पास में ऐसा स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं है। उसके लिए आप लोगों के कार्यकर्ताओं के बल पे ही हुए। एक समय ऐसा था हमारे पास में कि हमारे पार्टी में मतलब बैठने को कोई तैयार नहीं था। इतने बुरे बुरे दिन इस पार्टी ने निकाले हैं और उतने बुरे दिन निकालने के बाद में आज इस यह पार्टी जिस ऊंचाई पे पहुंची है, इसके लिए सिर्फ कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं ने लगन से काम किया, ईमानदारी से काम किया, तभी आज हमारी पार्टी वर्ल्ड में नंबर एक है। फिर भी मैं और भी चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने एक निष्ठा से काम करना चाहिए, गुटबाजी ख़त्म करना चाहिए। देखो, गुटबाजी करने में भला किसी का नहीं होगा, यह कभी भी ख्याल रखना। अगर कोई मेरा पैर खींचता है तो उसका भी पैर खींचने वाला कोई ना कोई मिलेगा, और अगर हम सब एकजुट से चलते हैं तो मैं अगर समझो कोई ऊँची सीट पर पहुँचूँगा तो मेरे साथ वाला दूसरा भी जो कोई व्यक्ति होगा उसको भी कोई ना कोई पद मिलेगा, कोई ना कोई कार्य वो कर सकेगा। अच्छे जोरदार काम करेंगे, तैयारी करेंगे। अब जैसे भी गवर्नमेंट का आदेश निकले, कार्यक्रम जिस तरह से है उस तरह से सभी को कार्य से लगना है, यही मैं उम्मीद करता हूँ और यही आशा करता हूँ सभी से। ठीक है, के बिना हम शहर में कोई भी विकास काम नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें बहुमत में आना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र जी मोदी आज केंद्र में अच्छा कार्य कर सक रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार बहुमत में बैठी हुई है। कितना भी विरोध कोई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार जो ठान ली वो करके दिखाने की ताकत होती है बहुमत में। राम मंदिर, कभी किसी ने सोचा था कि राम मंदिर बन जाएगा? डरा के रखा हुआ था, अरे हाथ मत लगाना, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे सब जल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ताने कसते थे लोग। 2014 में सरकार में बैठ गए हम लोग तो 5 साल में, पहले गंदगी साफ करते करते 5 साल चले गए और उस 5 सालों में यही कांग्रेस ने, यही विरोधकों ने ताने कसे। अरे क्या राम मंदिर, राम मंदिर बोलते थे, बनाई तो नहीं। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। राम मंदिर की केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में विगत अनेक वर्षों से पेंडिंग थी। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पैरवी की, हमारी सरकार ने बताया आप लोगों में ताकत है, आप लोग मतदार हो, आप पूछ सकते हो। एक ही रोड कितने बार बनाता है यार आदमी, एक रोड 5 साल में 3-3 बार बना रहते तुम लोग। अपने मोहल्ले में पेंशनपुरे में ओपन नालियां हैं, अब बाकी और भी मोहल्ले हैं, ये नालियां हम बंदिस्त कर सकते हैं। आपको पता है इस नाली में बैठने वाली मक्खी, वहां पैदा होने वाले मच्छर, पार्टी के नियमानुसार उम्मीदवार देंगी। मैंने पूछा भी था कि पिछले बार सर्वे हुआ या नहीं हुआ, आप लोग प्रक्रिया में थे संजू बाबू, है ना?
अभय जी आप भी थे। अब कैसे सर्वे हुआ आई डोंट नो, लेकिन इस बार तो सर्वे ही होगा। जिसको सर्वे बोलते हैं वो ओरिजिनल सर्वे होगा, और ऐसे ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देगी जिनको लोग चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे इस बार कि अरे ये राजेश भैया मेरे बहुत नज़दीक के हैं, मयंक मेरे बहुत पास में है, मुझे ये व्यक्ति बहुत अच्छी लगती है। पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कोई, जो सक्षम है जिसमें इलेक्टिव कैपेसिटी है ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में उतारेगी। नगर परिषद के चुनाव के रणशिंक ऑलरेडी फूंक दिए गए हैं। कल कच्ची प्रभाग रचना प्रकाशित कर दी गई है, और आप सब लोगों से मेरी विनती है कि हर व्यक्ति ने उस प्रभाग रचना का बारीक निरीक्षण करना है। समय बहुत कम है, 6 दिन बचे हैं, 17 तारीख लास्ट है, 17। उसमें कल शनिवार परसों रविवार, हमारे सिस्टम बहुत बढ़िया है, एक तो उसमें कुछ और भी छुट्टियां हैं, है ना।